देव देवस वासुदेवस गरुध्वजे अयम कारिते इहेलियो दूरेण भागवतेन दीयस पुत्रेण तक्षशिलाकेन योन दूतेन आगतेन महाराजस अंतिलिखितस उपन्तास काशवरायं काशीपुत्रस भागभद्रस त्रातारस वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस। यह अभिलेख मध्य प्रदेश में विदिशा से कुछ दूर स्थित बेस नगर में एक शिला स्तंभ पर अंकित है। संस्कृत से प्रभावित प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इस लेख की लिपि को सामान्यतः ईसा पूर्व दूसरी शती का माना जाता है। राजनीतिक और धार्मिक इतिहास की दृष्टि से इस लेख का महत्व है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश के विदेशी यवन शासक मध्य प्रदेश के भारतीय राजाओं के साथ राजनीतिक मैत्री के इच्छुक थे और दोनों राज्यों के बीच राजदूतों का आदान प्रदान होता था। इस लेख को हेलियोडोरस नामक तक्षशिला निवासी यवन ने, जो यवन राज अंतिलिखित का दूत था, मध्य प्रदेश में अंकित कराया था। अपने दूत हेलियोडोरस को अंतिलिखित ने विदिशा के स्थानीय शासक काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में भेजा था। अभिलेख के आधार पर कहा जा सकता है कि हेलियोडोरस वासुदेव भक्त था और हो सकता है कि उसकी ही तरह उसका पिता भी वासुदेव भक्त रहा हो। अगाथाक्लीस के सिक्कों पर एक ओर चक्रधारी वासुदेव और दूसरी ओर संकर्षण का अंकन प्राप्त होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि पूर्व काल में भागवत शब्द का व्यवहार केवल वैष्णव मतावलंबियों के लिए ही नहीं होता था। पतंजलि ने महाभाष्य में शिव भागवतों का उल्लेख किया है तो यौधेय गणों के सिक्कों पर कार्तिकेय के लिए भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है। नवा शुंग नरेश भाग था। डॉक्टर भंडारकर आदि विद्वानों के अनुसार इस राजा का समीकरण बेस नगर गरुड़ स्तंभ के इस भागभद्र से होना चाहिए। अभिलेख से स्पष्ट है कि यूनानी नरेश अंतिलिखित ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारतीय नरेश भागभद्र की राजसभा में भेजा था। यह राजदूत भागवत धर्म का अनुयायी था। उसने विष्णु के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करते हुए विदिशा में गरुड़ स्तंभ को स्थापित कराया था।